हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंडियन फूड एंड टूर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा ये पार्ट 3 आ गया है हमारे तेजस भाई की एंगेजमेंट और शादी का वीडियो जो बनाया था खाने का। ये लापसी और ये खमन ढोकले का वीडियो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो पहले लापसी, ये देखिए, ये गेहूँ को दरदरा सा पीसा गया था, गेहूँ का दलिया ले लिया है तकरीबन 25 किलो के आसपास। और अब इसमें थोड़ा सा ये देखिए तेल मिलाएंगे, ऑयल, इसको फिर हाथ से बरोबर मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। ये जो तेल है इसको हर एक दाने में मिलना चाहिए, इसलिए इसको पीसना पड़ेगा, हाथों से मलना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे भाई इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए अब ये और भी थोड़ा सा तेल डाला जाएगा तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको ये देखिए ड्राई फ्रूट इसके लिए लापसी में डालने के लिए छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े, ये काजू बादाम और ये सभी ड्राई फ्रूट्स को मिलाया जाएगा इसमें। ये देखिए और इसके अंदर लौंग और ये देखिए दालचीनी, ये भी जाएगी। और इसमें ये जायफल और हरी इलायची, इसको अभी पाउडर बना देंगे। इसके बाद इसको लास्ट में डालेंगे, जब लापसी पक जाएगी तब इसको लास्ट में डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। ये देखिए बड़े से पतीले में ये तेल ले लिया है। ये देखिए हमारे हसमुख भाई जो रसोई बनाने वाले हैं आज, ये देखिए अब इसके अंदर ये दालचीनी और जो लौंग है उसका तड़का लगाएंगे। पहले डाल देंगे इसको हल्का सा, इसका भी फ्लेवर आएगा। ये गरम तेल में, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है तेल, हल्का सा ही गरम है। इसके बाद इसके अंदर जो गेहूं का दलिया मिक्स किया था तेल में वो डालेंगे। अब ये लापसी बनाने में बहुत ही ये देखिए मेहनत लगती है, बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि इसको लगातार मिक्स करते रहना पड़ेगा। ये देखिए इसको मिक्स करते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगी। इसके लिए इसको हल्की आंच पे ही पकाना पड़ेगा। अब इसके अंदर गरम पानी भी डाला जाएगा, क्योंकि ये गेहूं के दलिये को पकने में टाइम लगेगा, इसके लिए ये तेल में पकेगा नहीं। इसके लिए इसके अंदर गर्म पानी भी डालना पड़ेगा। इसको लगातार हिलाते ही रहना पड़ेगा। लापसी बनाने की बहुत ही ये इजी ट्रिक आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। ये तकरीबन 1500 लोगों की लापसी है। ये देखिए ये गर्म पानी डाला जा रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये 1500 लोगों के लिए बनाई जाएगी तो इसमें बहुत ही ध्यान रख कर पकाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये शादी और एंगेजमेंट में जो बाहर से भी लोग आएंगे
दुल्हन के पक्ष की ओर से, तो इसको बहुत ही पकाने में ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए अभी इसमें पानी थोड़ा सा ऑब्जर्व हो गया, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी और भी डाला जाएगा। ये बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि गेहूं के दलिया पका है कि नहीं। ये देखिए इसको चेक भी करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। और लगातार ये देखिए चेक कर रहे हैं हमारे रसोई है जो हसमुख भाई आए हैं उमरा गांव से, उसका भी आज एड्रेस और पता आप लोगों को मोबाइल नंबर भी मिलने वाला है। मैंने बताया था अगले वीडियो में कि सूरत ज़िले के किसी भी गांव में कहां पर भी खाना बनाना हो शादी ब्याह में, तो आप उसका कांटेक्ट कर सकोगे। इसके लिए उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी मैं दूंगा आप लोगों को। कहीं पर भी सिटी एरिया हो या गांव का एरिया हो, कहीं पर भी ये हाजिर हो जाएंगे जो फ्री होंगे। तो ये देखिए इसके बाद इसके अंदर चीनी मिलाई जाएगी, ये तकरीबन 25 किलो के आसपास ही होगी। जितना गेहूँ का दलिया लिया था उसके वजन के हिसाब से ली है। ये देखिए ये चीनी तकरीबन ये गेहूं का दलिया पक जाने के बाद डाली जाएगी। अब इसको अब इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि इसको लगातार चलाना ही पड़ेगा। ये देखिए लगातार चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये चिपक जाएगी तो इसका टेस्ट आएगा नहीं, ऐसा बोल रहे थे हमारे हसमुख भाई रसोई बनाने वाले। इसके लिए इसको लगातार जब तक पकेगी तब तक अब इसको हिलाते ही रहना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाए इसके लिए मैंने शॉर्ट में ही ले लिया। ये देखिए अब ये पक गई है, लापसी हमारी रेडी हो ही गई है। अब थोड़ी देर इसको पकाएंगे, इसके बाद इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाला जाएगा। ये अब लगभग पक गई है तो इसके ऊपर ये देखिए ड्राई फ्रूट लिए थे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं इसके अंदर, जो भी मिलाना चाहते हैं आप, आपको जो पसंद है वो आप मिला सकते हैं। इसको घर पे भी बना सकते हैं आप। ये देखिए लापसी को आप घर पे ये रेसिपी देखकर आप इजी तरह से बनाएंगे। ये तो ज़्यादा लोगों के लिए 1500 के आसपास लोगों के लिए है, तो ये देखिए उसके हिसाब से आप घर पे माप तोल कर ले सकते हैं। ये देखिए जायफल और हरी इलायची का पाउडर लास्ट में डाला जाएगा, इसके बाद इसको निकाला जाएगा। 20% बाकी है लापसी पकने में, लगभग 10-15% ही बाकी होगी मेरे ख्याल से। वो इस बर्तन में निकालेंगे, शायद आधे घंटे में ये भी पक के फूल जाएगी। ये देखिए अब इसको निकाला जाएगा, फिर ये 2 घंटे के पहले बनाई है लापसी, ये गर्मा गर्म ही रहेगी, ये पूरी तरह से पक जाएगी। ये देखिए अब हम लोग खमन ढोकले का वीडियो ले लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए ये चने की दाल से रात को भिगो के रखा गया था और ये रेडीमेड ही मंगवाया था एलिस भाई ने। ये देखिए भिगो को चने की दाल को भिगो कर रात भर रखते हैं उसका खीरा, उसके बाद इसको
सुबह में बड़े से बर्तन में पानी डालकर इसको उसका खीरा अब जैसा भी शेप चाहे वैसा बर्तन लेकर इसको पका सकते हैं। ये भाप से ही पकेगा। ये देखिए ये खमन ढोकले का छोटा छोटा पीसेस हो रहा है, थोड़े थोड़े टुकड़े। फिर इसको बड़े से पतीले में डालकर इसके ऊपर भी तड़का और धनिया, हरा धनिया। ये देखिए तड़का लगा रहे हैं राई का। ये देखिए बहुत सारी राई भी ले है और इसके अंदर चीनी का पानी भी डाला जाएगा मिठास के लिए। ये देखिए चीनी का पानी, राई का तड़का मिक्स। खमन ढोकला आप लोगों को गुजरात में कहीं पर भी मिल जाएगा, छोटे से स्टॉल पर भी मिल जाएगा। ये सुबह के नाश्ते में बहुत ही बढ़िया रहते हैं। ये देखिए ये तैयार हो गया है खमन ढोकला। इसके ऊपर ये देखिए हरा धनिया छिड़क रहे हैं हमारे भाई हसमुख भाई। अब ये रेडी हो गया है। तो मैंने आप लोगों को ये तीनों पार्ट दिखा दिए हैं, तीनों भाग दिखा दिए हैं। और ये रहा दुल्हन के घर पे भी सेम ही खाना बना था। और मैंने आप लोगों को तीनों भाग दिखा दिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। ये देखिए पंगत में बैठे हैं सब लोग। गांव के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए ये सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। ये रहे हमारे हसमुख भाई जो रसोई बनाने वाले हैं। आप लोगों को मैंने बोला था उसका भी मोबाइल नंबर और एड्रेस दे दिया है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।